सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कॉलेज सॉल्यूशन। दिस इज़ निधि हियर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन कॉलेज के बारे में जहाँ पे आप अपने ट्वेल्थ के बेसिस पे या फिर जेईई में आपकी कम परसेंटाइल है तो आप उस बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस इनमें से ऐसे रहेंगे जहाँ पे बिहार स्वयं का एक कार्ड यानी कि DRCC आपका एक्सेप्टेबल रहेगा। जिनको नहीं पता DRCC क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल DRCC आपका होता है जो बिहार गवर्नमेंट आपको 4 लाख का लोन प्रोवाइड करती है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कॉलेज की बात करें, फर्स्ट कॉलेज हमारा आता है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी NIU। यहाँ पे जो आपका DRCC है ये आपका एक्सेप्टेबल होता है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ, 2010 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है। अगर आप इसकी फ़ीस देखते हैं, टोटल फ़ीस यहाँ पे आपको 6.48 लाख देखने को मिल जाती है। जो इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस है डैट इज़ 80,000 पर सेमेस्टर फ़ीस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जस्ट गलगुटे यूनिवर्सिटी के बगल में कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कैंपस है इसका अगर देखा जाए तो। 5 LPA का यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। जो आपको हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देखने को मिलेगा डैट इज 48 लाख पर एनम। सो अगर मैं इस कॉलेज की बात करूँ, जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं प्लस उनकी PCM में 50% या फिर 60% है NCERT कोर के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्लस जिन बच्चों ने JEE नहीं दिया है सो वो NIU को अपने ऑप्शन में रख सकते हैं। यहाँ आपको चांसेस है कि CSE मिल सकती है। अगर हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो नेक्स्ट कॉलेज हमारा MIMT, मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। अगर हमें इस कॉलेज की बात करूँ, 2002 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। टोटल फीस देखते हो तो टोटल फीस 5,16,000 है। पर ईयर फीस इसकी 1,29,000 आपको देखने को मिलेगी। जो एवरेज पैकेज है डैट इज 4.5 से 5 तक के बीच में लाए करता है एवरेज पैकेज इसका। अगर आप इसका हाईएस्ट पैकेज देखते हो 29.7 लाख पर एनम का है। अगर मैं मंगलमय की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सारी ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती। स्पेशली मंगलमय में आपको CSE कोर देखने को मिलेगी, प्लस से AI देखने को मिलेगी, डेटा साइंस हो गया एंड साइबर सिक्योरिटी, बस आपको यही स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेंगी। सो पर्टिकुलरली चाहते हो कि आप कम क्राउड वाली जगह में पढ़ो सो मंगलमय एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, अगर आपकी PCM में 60% से अबव है देन फिर आप यहाँ पे CSE कोर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको इसका एडमिशन प्रोसेस जानना है तो यहाँ पे नीचे मैंने नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके कनेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है डैट इज़ बैनर्ट यूनिवर्सिटी। काफ़ी नाम है बैनर्ट यूनिवर्सिटी का, टाइम्स ऑफ रुकन कॉलेज है, 2016 से रन करता हुआ आ रहा है। फीस देखोगे विदाउट हॉस्टल 16 लाख फीस है इसका। एंड एवरेज पैकेज देखोगे डैट इज़ 8.5 लाख पर एनम। हाईएस्ट पैकेज जो आपको देखने को मिलता है डैट इज़ 1.2 CR। सो अगर मैं इस कॉलेज की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको इंटर्नशिप काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। 300+ जो इनके बच्चे हैं वो इंटर्नशिप में ही प्लेस हो जाते हैं, इट मीन्स इंटर्नशिप में ही उनको ऑफर लेटर मिल जाता है। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, अगर CSE कोर के लिए ट्राई कर रहे हो आपकी 70% PCM में होना मैंडेटरी है। अगर 70% से कम है देन फिर आपको CSE स्पेशलाइजेशन मिल सकती हैं बट CSE कोर नहीं मिल पाएगी। स्पेसिफिकली ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 के पास ये आपका कॉलेज है। सो अगर कोई बच्चा है जो अपना बजट 16 लाख तक का लेके चल रहा है सो बैनर्ट यूनिवर्सिटी भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है IIM यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे इसको कैंपस देखने को मिल जाएंगे, आपके लोधी रोड में भी है, गुड़गांव में भी है। जो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वो ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस है। 2013 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। फीस देखोगे तो 7.36 लाख पर एनम टोटल फीस है इसकी। पर ईयर फीस इज़ 1,84,000। ऑल दो जो बच्चे इंटर्नशिप वगैरह के लिए या फिर ROI के मुकाबले अच्छा कॉलेज सर्च करते हैं तो वो एक IIM को ऑप्शन में रख सकते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप भी मिल जाती है जो कि कुछ बच्चों की पेड भी होती है, कुछ बच्चों की अनपेड भी होती है। एवरेज पैकेज देखोगे 6 से 7 के बीच में आपको एवरेज पैकेज लाया करता हुआ मिलेगा। 44 लाख पर नाम का यहाँ पे आपका हाईएस्ट पैकेज है। सो अगर हम IIM की बात करें ग्रेटर नोएडा में, ये भी कॉलेज आपका सिचुएटेड है। प्लस अगर मैं बात करूँ आपकी PCM में अगर 60% या फिर 70% के है और प्लस JEE भी दिया है आपने तो IIM को आप एक अच्छा ऑप्शन लेके चल सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ, नेक्स्ट कॉलेज हमारा आ जाता है क्वांटम यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड में ये हमारा सिचुएटेड है। अगर मैं इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ, 2014 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। ट्यूशन फीस देखोगे तो 5,48,000 टोटल फीस है इसकी। पर ईयर फीस यहाँ पे आई गेस आपको 1,39,000 देखने को मिल जाएगी। एवरेज पैकेज देखोगे 5 से 6 के बीच में इसका एवरेज पैकेज लाया करता है। हाईएस्ट पैकेज 34 लाख पर एनम का
यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसकी हॉस्टल फीस की बात करूँ, यहाँ पे आपको 98,000 से 1 लाख के हॉस्टल्स मिल जाएंगे। सो अगर उत्तराखंड साइड के कॉलेज सर्च कर रहे हो, क्वांटम यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हो। ऑल दो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्लस CSE वगैरह के लिए भी यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी जाती हैं। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ, तो नेक्स्ट कॉलेज हमारा आ जाता है RIT रुड़की। इस कॉलेज में वो बच्चे भी जा सकते हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, प्लस DRCC के थ्रू कॉलेज सर्च कर रहे हैं। बाकी अगर किसी को डायरेक्ट एडमिशन लेना है तब भी वो इस कॉलेज में अप्लाई कर सकता है। रुड़की में कॉलेज आपका सिचुएटेड है, यानी कि उत्तराखंड में। 2005 का इसका एस्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल फीस जो है दैट इज़ 4,95,000, जो आपको पर ईयर फीस देखने को मिल जाएगी। आई गेस 1 लाख समथिंग कुछ इसकी पर ईयर फीस है। एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनम को यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हाइएस्ट पैकेज जो आपको मिलेगा दैट इज़ 56 लाख पर एनम। सो अगर आपके यहाँ पे 60% से अबव है, देन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे CSE कोर के लिए। अगर आपके यहाँ पे 60% से अबव है, तो यहाँ पे आप CSE कोर के लिए ट्राई कर सकते हो। ऑल दो कॉलेज का कैंपस देखते हो, कॉलेज का कैंपस काफ़ी बेटर है, एंड इस कॉलेज को NAC A++ भी मिला हुआ है। सो RIT रुड़की भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, तो नेक्स्ट कॉलेज हमारा आ जाता है UPS देहरादून। काफ़ी नाम है UPS देहरादून का, हर बच्चा चाहता है कि UPS देहरादून में मेरा एडमिशन हो जाए। बिकॉज अगर मैं इनकी कोलैबोरेशन की बात करूं, इनके जो पेट्रोल पंप्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रीज से, इनकी खुद की इंडस्ट्रीज़ है, सो इनको बच्चे प्लेस करने में कोई मुश्किल नहीं हुई आज तक। आप इनका प्लेसमेंट रेशो देखोगे, काफ़ी बढ़िया इनका प्लेसमेंट रेशो है। कैंपस भी, कॉलेज भी बहुत ब्यूटीफुल है इनका। अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ, 2003 का यहाँ पे आपको एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिल जाएगा। टोटल फीस जो है इनकी विदाउट हॉस्टल दैट इज़ 18 लाख। एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको 10 to 12 के बीच में देखने को मिलेगा। हाइएस्ट पैकेज देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको 50 लाख पर एनम का। अगर आप UPS देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मैंडेटरी होता है। प्लस अगर किसी बच्चे की JEE में 70% आई तक है, या फिर किसी की PCM में कम परसेंटेज है, 60 या फिर 70% तक है, सो वो UPS को टारगेट कर सकता है। आप यहाँ पे इनके पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू या फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूँ, नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है तुलास इंस्टीट्यूट। इसका एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, 2006 में इसका एस्टैब्लिशमेंट है। फीस जो आपको टोटल देखने को मिलेगी बीटेक के लिए दैट इज 5,44,000। एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको 5 से 6 का आपको देखने को मिल जाएगा। हाइएस्ट पैकेज जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज 36 लाख पर एनम। तो लास्ट की बात करूँ, इस कॉलेज को भी NAC A++ मिला हुआ है। प्लस वो बच्चे भी इन पे जा सकते हैं जो बिहार से उनके आई कार्ड के थ्रू कॉलेज देख रहे हैं। तो लास्ट भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो नेक्स्ट कॉलेज हमारा आ जाता है मानव रचना यूनिवर्सिटी। फरीदाबाद में ये कॉलेज आपका सिचुएटेड है। जो बच्चे हरियाणा डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं या पर्टिकुलरली हरियाणा साइड कॉलेज देखते हैं, मानव रचना आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ, 2004 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। फीस जो आपको टोटल देखने को मिलेगी दैट इज 10 लाख पर एनम। एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको 7 to 8 लाख पर एनम का देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पैकेज जो अब तक गया है दैट इज 54 लाख पर एनम। मानव रचना भी आप कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, एंड काफ़ी बच्चे यहाँ पे CSE के लिए जाते हैं। नेक्स्ट कॉलेज हमारा आ जाता है दैट इज़ SRM यूनिवर्सिटी। SRM यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपस हैं, बट स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे इसके सोनीपत वाले कैंपस की बात कर रही हूँ। बिकॉज सोनीपत वाले कैंपस में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कैसे लेना है वो आप हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जान सकते हैं। अगर मैं इस कॉलेज की स्पेसिफिकली बात करूँ, एस्टैब्लिशमेंट 2013 का है। जो आपको फीस मिलेगी विदाउट हॉस्टल दैट इज़ 10 लाख पर एनम। एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको 5 to 7 के बीच में देखने को मिलेगा। जो बच्चों ने CSE कोर के अंडर अपना हाईएस्ट पैकेज ग्रैब किया है दैट इज़ 50 लाख पर एनम। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, यहाँ पे अगर आपकी 60 या फिर 70% लाए करती है PCM में, देन फिर आप यहाँ पे CSE के या फिर उसके ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम अपने लास्ट कॉलेज की बात करें, लास्ट कॉलेज हमारा आता है दिल्ली टेक्निकल कैंपस। IPU का कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा में आपको सिचुएटेड है। कैंपस वाइज देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है इसका। प्लस अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आज जो बच्चे बिहार से इनके आई कार्ड के हैं, प्लस जो बच्चे अदर डोमिसाइल से हैं, अदर स्टेट से हैं, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इसकी फ़ीस देखते हैं, तो इसकी फ़ीस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी दैट इज़ 1,39,000 पर ईयर। यहाँ पे आपको फ़ीस देखने को मिल जाएगी। अगर आप टोटल देखते हो, तो टोटल फ़ीस यहाँ पे आपको 6,40,000 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्लस मैं इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूँ, तो अराउंड कुछ 2000 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। ये एस्टैब्लिशमेंट वाला काट देना। प्लस अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूँ, इसका एवरेज पैकेज जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ 5 to 6 लाख। अगर आप इसका हाईएस्ट पैकेज देखते हो, जो हाईएस्ट पैकेज बच्चों ने CSE के अंदर ग्रैब किया है दैट इज़ 24.96 लाख पर एनम।
सो अगर कोई बच्चा है जो LPU के कॉलेज सर्च कर रहा है और दिल्ली टेक्निकल कैंपस के बारे में जानना चाहता है तो आप कॉल या व्हाट्सअप करके मुझे कनेक्ट कर भी सकते हैं। प्लस ये इसकी वेबसाइट है, NBA से एग्रीगेटेड है, प्लस इसको NAC A+ भी मिला हुआ है। सो दिल्ली टेक्निकल कैंपस भी आप अपने उसमें ले सकते हैं, ये इसका प्लेसमेंट का सेल है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन सेल पर जाते हैं तो आप दिल्ली टेक्निकल कैंपस के बारे में और भी जान सकते हैं। सो ये कुछ कॉलेजेस थे जहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं एंड काफ़ी सही कॉलेजेस हैं अगर मैं बात करूँ ग्रेटर नोएडा साइड। इन केस आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या फिर किसी और कॉलेज के बारे में कोई भी डाउट रहता है आपका, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करके कनेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।